हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। जब अपना केमिस्ट्री के अंदर चल रहा था चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन यानी विलयन, और उसके अंदर अपना टॉपिक चला था विलयन की सांद्रता की इकाई, यानी विलयन की जो सांद्रता है किसी विलायक में मात्रा है किस में नापा जाए उसकी सांद्रता कहलाती थी। उस सांद्रता में किस में पढ़ा जाए किस में मापा जाए वो अपना चल रहा था। तो उसका अपना जो सांद्रता की इकाई थी वो हो गई थी द्रव्यमान प्रतिशत हो गया था, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो गया था, आयतन आयतन प्रतिशत हो गया था, और कल अपने जो मोलरता की थी इम्पोर्टेंट वो हो गई थी। आज का अपना नंबर 5 पर रहेगा मोलरता, मोलरता प्रदर्शित करते से छोटे अंश, इसे करते हैं छोटे अंश। तो सबसे पहले देखेंगे इसकी परिभाषा क्या थी। कल अपनी जो मोलरता की परिभाषा क्या थी, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलायक के मोल की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता। उसकी जगह 1 लीटर विलयन की जगह आज अपन करेंगे यहां पर 1 kg यानी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलायक के मोल की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता। परिभाषा क्या हो जाएगा, 1 kg विलायक में उपस्थित, 1 kg विलायक में उपस्थित विलायक की मोल संख्या उस विलयन की, उस विलयन की मोलरता कहलाती है। प्रदर्शित करते हैं किसे, छोटे अंश, इसे करते हैं छोटे अंश। मोलरता किसी क्या था, बड़े अंश, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, मोलरता बराबर यानी छोटा एम बराबर 1 kg विलायक में उपस्थित विलायक पदार्थ की मोल की संख्या, तो क्या जाएगा मोलरता बराबर विलय की मोल संख्या, विलय की मोल संख्या बटे विलय का भार किसमें, केजी, विलय का भार केजी में, मोल की भार इसके अंदर निकल जाएगी मोलरता। यदि विलय का भार केजी में न देकर ग्राम में दे रखा है तो क्या जाएगा, एम बराबर विलय की मोल संख्या, विलय की मोल संख्या बटे विलय का भार किसमें, ग्राम में। तो ऊपर कितने से गुणा कर देंगे, 1000 से। इस फॉर्मूले से अपन क्या निकल जाएगी, मोलरता। यदि विलय की मोल संख्या दे रखे ग्राम में मात्र दे रखी, तो विलय की मोल संख्या कैसे निकालेंगे, कल की तरह विलय की मोल संख्या, विलय की मोल संख्या बराबर विलय का भार किसमें, ग्राम में, बटे विलय का अणुभार, विलय का अणुभार। तो एम बराबर क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर विलय की मोल संख्या, विलय का भार बटे अणुभार, विलय का भार ग्राम में बटे विलय का अणुभार, बटे विलय का अणुभार नीचे जाएगा, गुणा में विलय का भार किसमें, ग्राम में। ऊपर गुणा किससे कर देंगे, 1000। इस फॉर्मूले की सहायता से अपन क्या निकाल देंगे उसके, ठीक है। यदि विलय को क्या मान लिया मैंने, 1, व विलय को क्या मान लिया, बी, तो एम बराबर क्या हो जाएगी, यानी मोलरता बराबर
विलय का भार ग्राम में, यानी डब्ल्यू ए इसमें ग्राम में, अपो एम ए उसी का अनुभार, गुणा में विलय का भार डब्ल्यू बी ग्राम में, गुणा में 1000। इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या निकालेंगे, उसका मौलिकता निकालेंगे। ठीक है, यदि किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में विलय की ग्राम में मात्रा दे रखी है, तो विलय का भार ग्राम में दे रखा है, तो विलय का ग्राम में मात्रा उसी का अनुभार निकालेंगे। ठीक है, गुणा में विलय का भार ग्राम में, गुणा में 1000। यदि विलय का भार ग्राम में निर्मित केजी में दे रखा है, 1000 से गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये थी अपनी नंबर 5 मोलर। अब यहाँ पर एक दोनों में क्वेश्चन आता है, कल वाली और आज वाली। कल क्या थी अपनी मोलर था और आज वाली क्या, कल की अपनी मोलर था, आज की क्या है मोलर। इस पर ताप का प्रभाव आ जाता है, ताप का प्रभाव। क्वेश्चन आ जाता है मोलरता व मोलरता में ताप से कौन प्रभावित होगी। तो देखिए दोनों का फॉर्मूला देखते हैं, ये किसका है, मोलरता का है, और मोलरता का कल क्या था अपना, एम बराबर डब्ल्यू ए ग्राम में बटा एम ए गुणा में बी सॉल्यूशन एम एल में गुणा में 1000। देखिए दोनों फॉर्मूले, यहां पर डब्ल्यू ए डब्ल्यू एम ए एम 1000 1000 दोनों, यहां पर चेंज है, मोलरता में विलयन का आयतन था, मोलरता में विलय का भार है। ठीक, अब ताप से कौन प्रभावित होगी, मोलरता या मोलरता, तो यह ताप से प्रभावित होती है, ताप से प्रभावित होती है। ठीक है, यह है ताप से प्रभावित नहीं होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, मोलरता ताप से प्रभावित होती है, मोलरता ताप से प्रभावित नहीं होती है। क्वेश्चन दिया जाता है मोलरता की तुलना में मोलरता को अधिक महत्व दिया जाता है, क्यों 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 का जवाब यूं है, क्योंकि ताप से प्रभावित हो रही है, ताप से प्रभावित नहीं होती, इसलिए इसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। कारण क्या है कि यहां पर दे रखा विलयन का आयतन दे रखा है, तो ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है, और यहां पर विलय का भार है, ठोस है, यह ताप से अप्रभावित होता है, तो यहां पर ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ेगा, वी बढ़ेगा, तो एम की क्या है व्युत्क्रमानुपाती, तो ताप बढ़ाने पर वी बढ़ेगा, तो मोलरता में क्या आएगी कमी, क्या जाएगी कमी, तो ताप बढ़ाने पर मोलरता जो मोलरता होती है वो क्या हो जाएगी कम, जबकि यहां पर विलय के लिए भार यहां पर आयतन ही है, ताप से अप्रभावित होती है, ताप से अप्रभावित होने पर इसको ज्यादा महत्व, ताप से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये थे अपनी दोनों का ताप का प्रभाव। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।